मथुरा मार्ग स्थित वात्सल्य गुरुकुलम स्कूल के सामने उस समय चीख पुकार मच गई जब मथुरा की ओर से आ रही अल्टो कार संख्या UP85AR9634 और वृंदावन की ओर से जा रहे टेम्पो में टक्कर हो गई, जिससे टेम्पो में सवार कई लोग चुटैल हो गए। वहीं इस हादसे में रास्ते से गुजर रहे कई बाइक सवार भी चपेट में आ जाने से चुटैल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों ने अन्य वाहनों की मदद से उपचार के लिए स्थानीय चिकित्सालय में भिजवा दिया, जहां टेम्पो चालक अन्य सवारियों को लेकर मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार चालक को हिरासत में ले लिया। मामूली रूप से घायल इंदौर निवासी नवीन पुरोहित को उपचार के लिए भेज दिया गया है। इस संबंध में घायल नवीन पुरोहित ने बताया कि वो वृंदावन से टेम्पो में सवार होकर मथुरा जा रहा था, तभी मथुरा की ओर से अनियंत्रित होकर आ रही कार ने उनके टेम्पो में टक्कर मार दी, जिससे जहां टेम्पो में सवार लोग चुटैल हो गए, वहीं मार्ग से गुजर रहे कई मोटरसाइकिल सवार भी आपस में भिड़ गए, जिससे उन्हें भी चोटें आई हैं। हम ऑटो में बैठे हुए थे और सामने एक कार वाइट कलर की एकदम तेज़ी से हमारी तरफ की जो रोड के एरिया से आई और आके उसने 70-80 की स्पीड में हमको ठोक दिया। ड्राइवर दारू पिए हुए था। गाड़ी वाला ऑटो वाला कहाँ गया? इसमें ऑटो वाला तो चला गया, कुछ अपने पेशेंट 4-5 यहाँ वर्मा नर्सिंग होम में मोटरसाइकिल वालों ने लोगों ने वहाँ पहुँचाए और मुझे पुलिस वाले यहाँ लेके आए। और हाँ, हो गया है मेरा अभी, मेरे को ऐसे अभी सुपरफिशियली है क्योंकि मेरे गाड़ी में हम 8-10 लोग थे। हाँ, और 10 लोग से ज़्यादा लगी है वो हमारे जो पास साथ में जो मोटरसाइकिल चल रही थी रोड किनारे, वो सीधे झाड़ियों में फिंकाए थे। उन लोगों को भी लगी।